इस लेक्चर में हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और किस प्रकार से यह मॉलिक्यूल को इफेक्ट करती है और इसकी मदद से हम क्या क्या वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले हम इसकी इस लेक्चर में हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे क्या है इसका मतलब सबसे पहली बात इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है इट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक विच यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द इंफ्रारेड रीजन क्योंकि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब तो समझ चुके हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर इंडिविजुअली इसका डेफिनेशन पढ़ी जाए तो उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मॉलिक्यूल और मैटर के साथ इंटरेक्शन अब हम इंडिविजुअली अगर आईआर की बात कर रहे हैं या इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो इंफ्रारेड रीजन की जो रेडिएशन है वो इंटरेक्ट करेगी किसके लिए इंटरेक्ट करेगी फॉर द डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रोस्कोपी ही एक ऐसा टूल है जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर और उसके आ, डिटर्मिनेशन उसके जो आइडेंटिफिकेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको आइडेंटिफाई uh, जो हुआ है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उसको बताने के लिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है इट इज टू नोट दैट एटम्स कैन एब्सॉर्व एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इस केस में क्या होता है अगर आई आर करता है तो क्या होता है तो so डेफिनेटली इट विल एल्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वह एटम के स्टेट को जिसमें मॉलिक्यूल है उसको वो चेंज करेगा अल्टर करेगा अब ये क्या चेंज है वो देखने वाली बात है दिस दिस चेंजेस आर यूजुअली मैनिफेस्ट इन अल्टरेशन टू द फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूल वाइब्रेशंस यहाँ पर आई में हमें देखने की बात है कि मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन को वो अल्टर करता है इंफ्रारेड रेडिएशन का जब इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल के साथ तो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन का अल्टरनेशन होता है विच मे बी मेजर्ड एंड प्लॉटेड टू प्रोड्यूस एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम तो जो वाइब्रेशन में चेंजेस आते हैं उन वाइब्रेशन के चेंजेस को प्लॉट करके हम इंफ्रारेड का एक स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं और उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करके हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। and uh, we know uh, infrared spectrometers use optical devices for dispersing and focusing electromagnetic radiation of IR frequency which passes through the sample and any change in absorbance measured against a reference beam yani ye iska ek instrumental part ho gaya इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे-जैसे vibrational और rotational transitions होता है अब सवाल आया कि जैसे ही IR का absorption हुआ molecule में या तो vibrational ट्रांजिशन होगा या रोटेशनल ट्रांजिशन होगा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल ये देखेंगे हम ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है क्लासिक हार्मोन ऑसिलेटर को यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग जो लेवल्स हैं ये हैं वाइब्रेशनल लेवल्स एंड ईच वाइब्रेशनल लेवल कंसिस्ट डिफरेंट डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स एज वेल ये जो v v no, वी, वी दिख रहा है ये है ग्राउंड स्टेट का वाइब्रेशनल लेवल का का ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के वाइब्रेशनल लेवल्स हैं इन वाइब्रेशनल लेवल्स के माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में देखा जाए तो रोटेशनल लेवल्स होते हैं तो मॉलिक्यूल विल वाइब्रेट फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल्स टू तो द हायर एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल्स को इंफ्रारेड के इंट्रैक्शन हुई मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ा और वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ चला गया अगर हार्मोनिकल हो रहा है तो एक स्टेज के बाद उसकी वाइब्रेशन काफी बढ़ जाएंगी तो ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में वाइब्रेशन का ट्रांजिशन होता है इसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं और हर एक वाइब्रेशनल लेवल में डिफरेंट डिफरेंट रोटेशनल ट्रांजिशन हो सकते हैं क्योंकि उसमें रोटेशनल लेवल्स होते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटमिक डिस्टेंस की के बीच का प्लॉट है यानी एक अगर हम मेटल को यहाँ पे मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल का एक एटम यहाँ पे था दूसरा एटम यहां पे था इन दोनों के बीच में वाइब्रेशन हुई तो लोअर एनर्जी स्टेट से वाइब्रेट करके ऊपर चला गया इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है आर वो बढ़ गया तो इस तरीके से हम इस प्लॉट को समझ सकते हैं अब बात करते हैं कि आर रीजन कहाँ कहाँ पे मिलता है और क्या क्या रीजन की वैल्यूज होती हैं। इसमें दो तो तीन प्रकार की आर रीजन जिसमें हम बोलते हैं नियर, और, फार। और इसी को ध्यान रखते हुए पर सेंटीमीटर तक की रेंज का है इसमें पुअर इन स्पेसिफिक कंसिस्ट ऑफ ओवरटोन्स एंड कॉम्बिनेशन बैंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन इन मिड इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम जो जो स्पेक्ट्रम मिलती है हमें वो थोड़ा ओवर टोन्ड रहती है मीट में हमें मॉलिक्यूल के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो इस खास तौर पे स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है वो मिल जाता है तो 4000 से लेकर 400 से पर सेंटीमीटर तक की जो रेंज है अधिकतर इंफ्रोरेड का जो प्लॉटिंग होती है इसी रेंज पे होती है फार इंफ्रोरेड में इसमें क्या होता है दो रीजन है इट हैज बीन यूज्ड विद इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल समटाइम्स जो 4000 400 चार, चार सौ से लेकर तैतीस परसेंटीमीटर तक की जो रेंज है यानी ट की भी तीन कैटेगरी को हम डिफाइन कर सकते हैं एक है नियर इंफ्रेट थाउजेंड एट सेंटीमीटर तक का रेंज है दूसरा है दूसरा मिड जिसमें कि 4000 से लेके 400 पर सेंटीमीटर तीसरा इन्फ्रेट इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो जो यहाँ पर फार इंफ्रेड है इसकी एनर्जी कम होती है दी लो एनर्जी टिपिकली इनकाउंटेड विद इंफारेट रीजन आर नॉट सफिशिएंट टू कॉज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्योंकि इतना एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट कर पाए तो जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही उसमें वाइब्रेशन कम होगी तो एनर्जी कम होते होते वाइब्रेशन होती है फिर उससे अगर एनर्जी कम होगी तो वो रोटेशन में चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तब होगी जब एनर्जी ज्यादा होगी ये एक रीजन हम इसको अलग तरीके भी समझ सकते हैं और जो मोस्टली यूज है हमने उसको कहा 4000 से लेके 670 का है और ये इसकी फ्रिक्वेंसी हर्ज में है और ये वेब नंबर हमने देखा ये इस वेब नंबर की वैल्यू से हम इसको डिफाइन करते हैं जो कि पर सेंटीमीटर में हमें मिलती है 12800 हजार आठ यानी बारह से लेके 4000 में नियर है वेब लेंथ नैनोमीटर माइक्रोमीटर में अगर हम देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू इस रेंज में आएगी ये एक क्लासिफिकेशन है कि अल्ट्रा जो इंफ्रेड रेंज है वो इस तरीके से रहती है और इस इंफ्रारेड रेंज uh, का इंट्रैक्शन जब मॉलिक्यूल के साथ होगा तो वाइब्रेशनल चेंजेस आएंगे और क्या वाइब्रेशनल चेंजेस होंगे या उसकी क्या थ्योरी है उसको समझ सबसे पहले इसमें आता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंफ्रारेड इज लार्जली थर्मल एनर्जी इट इंड इंड्यूसेज स्ट्रॉगर मॉलिकुलर वाइब्रेशन इन कोवलेंट बॉन्ड विच कैन बी व्यूड एज स्प्रिंग होल्डिंग टूगेदर टू मॉलिक्यूल्स और मासेस और एटम्स यानी हम ये मान के चलते हैं कि अगर मोलिकुलर वाइब्रेशन होता है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि मॉलिक्यूल आपस में स्प्रिंग से जुड़ा रहता है और स्प्रिंग से जुड़ा रहता है तो उसकी भी अलग अलग मोशन होंगे पहला हम इसमें पढ़ते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल इसमें हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में स्प्रिंग से जुड़े दो एटम मॉलिक्यूल के एटम ये एक एटम ये है एक एटम ये है ये दो आपस में क्या है स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं जब स्प्रिंग से जुड़े होंगे तो अगर कोई भी वाइब्रेशंस नहीं आ रही है इन स्प्रिंग जुड़ा हुआ ये माना जा रहा है लेकिन ये क्या है कि सिंगल बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड से एटम जुड़ा है इसमें वाइब्रेशन होंगी वाइब्रेशन होंगी यानी अगर स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है तो वो एक स्ट्रेच और कंप्रेस्ड, स्ट्रेच और कंप्रेशन में जो साइमिलटेनियसली uh, हो रही हैं तो उसको हम बोलेंगे वाइब्रेशंस इसको हम कैसे देख सकते हैं इसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के माध्यम से समझ सकते हैं और लेकिन हमारे पास ये एक एनिमेशन है इस एनिमेशन से हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये मोलिकुलर वाइब्रेशन जिसमें जो कोबोल बॉन्ड है वह कोबोल बॉन्ड एक स्प्रिंग की तरह हमने कंसिडर किया है और यह स्प्रिंग एक या तो स्ट्रेच होगी या कंप्रेस होगी तो कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग बोथ आर कम्बाइनिंग टुगेदर टू फॉर्मिंग दी मोलिकुलर वाइब्रेशन तो ये मोलिकुलर वाइब्रेशन की कंडीशन है हम अब इसको थोड़ा ये समझ लेते हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये पूरी कैलकुलेशन हम करते हैं जिसमें कि एनर्जी का इफेक्ट पड़ता है एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के वाई स्क्वायर जहाँ पे वाई जो स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट है और के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है तो इसके बेसिस पर हम इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं और ये एक हारमोनिक मोशन है एक हारमोनिक मोशुलर मोशन है कि एक बार मोशन में मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंसेस पड़ा पता चला डिस्प्लेसमेंट पड़ा कक नीचे लोअर एनर्जी स्टेट स्टेट में, दिस्टेट में, दिस्टेट में, दिस्टेट में, दिस्टेट में था। तो जैसे जैसे हम इस में हम को बढ़ते, तो बढ़ते जाता है इसी के बेसिस पर हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं को आधार करते है। इसके बाद हमारे पास आता है अनहार्मो ऑसिलेटर ये ऑसिलेटर में हम थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि जो इंट्रा एटोमिक जो डिस्टेंस है आर की वैल्यू अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो बॉन्ड टूट जाता है जहां पर हम इसकी न्यू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास कैलकुलेशन है और जो की न्यूक टू तो हाफ पाई रूट के अपॉन एम इसको लॉ में पढ़ते हैं ये फिजिक्स में ज्यादा इसका इंप्लीकेशन है लेकिन यहाँ पे ये समझने के लिए जरूरी है कि इंफ्रारेड में कि जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा तो कि प्रत्येक किया जाता है जिसमें बॉन्ड स्टिफनेस को बताता है और तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये न्यू है ये न्यू हमने कहा इफ यू नो देन फ्रीक्वेंसी एंड एटम इन अ बॉन्ड वी कैन गेट के के वैल्यू हम निकाल सकते हैं और K के की वैल्यू सिंगल बॉन्ड के लिए हमारे पास इतनी आ सकती है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसका ये मतलब है कि न्यू इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन रूट ऑफ के बेसिकली जो इसका मतलब ये है कि सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइब्रेशंस इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं एक सिंपल सा कंसेप्ट था ये और इसमें थोड़ा सा हम और आगे पढ़ते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर और हार्मोनिक uh, ऑसिलेटर ये वही बात जो हमने इससे पहले पढ़ी वही है इसको हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं मेन जो इसका कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशन का ये देखेंगे हम मोलिकुलर जो वाइब्रेशन होंगी इसकी टाइप्स हो जाएंगी हो जाएंगी तो ये स्ट्रेचिंग होगी यानी मोलिकुल स्ट्रेच होगा तो वो सिमेट्रिकल होगा सिमेट्रिकल का मतलब दोनों अपने अपने जगह पे है तो बाहर जाएंगे तो अंदर जाएंगे स्ट्रेचिंग हो रही है दोनों एक साथ बाहर दोनों एक साथ अंदर तो एक साथ अगर अगर होता है स्ट्रेचिंग तो उसको और अगर ये अलग अलग कंडीशन पे हो रहा है उसको असिमेट्रिकल एक बार ये मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है और दूसरी कंडीशन में ये मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है इसका मतलब ये स्ट्रेचिंग तो है लेकिन असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है तीसरी केस में मॉलिक्यूल वाइब्रेट मतलब बेंड करता रहा है स्ट्रेच करने के बजाय बेंड यानी तीन तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है पहली कंडीशन में स्ट्रेचिंग हुई दूसरी भी स्ट्रेचिंग है लेकिन वो सिमेट्रिकल है क्योंकि एक सिमेट्री में स्ट्रेचिंग हो रही है दूसरा असिमेट्रिकल जिसमें की स्ट्रेचिंग जो है वो असिमेट्रिकल है यानी मॉलिक्यूल का कोई रेगुलर सिस्टम में स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है वो तो रही लेकिन एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच कोई रिलेशन नहीं है दोनों अलग अलग कंडीशन से स्ट्रेचिंग तीसरी हमारे पास पेंडिंग है बेंडिंग यानी मॉलिक्यूल बेंड हो जा रहा है अब इसी बेंडिंग को ध्यान में रखते हुए हम इसको बेंडिंग को तो समझ सकते हैं कि बेंडिंग क्या है बेंडिंग भी तीन प्रकार चार प्रकार की बेंडिंग है लेकिन इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर समझ लेते हैं हम यहां पे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है ये हम देख रहे हैं इसमें ये सिमेट्रिकली मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं ये असिमेट्रिकल है ये देख पा रहे होंगे आप एक बाहर है एक बाहर जा रहा है बॉक्सिंग करते हैं अनसिमेट्रिकल एक अंदर बाहर अंदर बाहर ये दोनों है बाहर अंदर बाहर अंदर ये सिमेट्रिकल है स्ट्रेचिंग इसमें क्या है अनिमेट्रिकल और अब बात आई बेंडिंग की अगर ये बेंडिंग एक ही प्लेन में हो रही है एक्स एक्सिस में अगर होती है और ये देखिए आप कैंची की तरह काट रहा है ये कैंची की तरह काट रहा है इसका मतलब ये है कि जो बेंडिंग है वो सीजरिंग है इन प्लेन बेंडिंग व्हेन इट इज वर्किंग लाइक दिस यानी दोनों सिमेट्रिकल प्लेन पे बेंडिंग हो रही है सिमेट्रिकली तो इसको बोलते हैं सीजरिंग दूसरा है इन प्लेन पे असिमेट्रिकल है तो उसको बोलते हैं रॉकिंग तीसरा है अगर ये आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है सिमेट्रिकल है लेकिन आउट ऑफ प्लेन है उसको बोलते हैं वैगिंग और फोर्थ मॉलिक्यूलर कंडीशन है ट्विस्टिंग जिसमें कि जो बेंडिंग है वो आउट ऑफ प्लेन है और उसमें अल्पसिमेट्रिकली यहां देखेंगे हम पहले वैगिंग को देखते हैं दोनों मॉलिक्यूल प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं एक बार दो ऊपर प्लेन आ रहे हैं फिर एक दो नीचे जा रहे हैं ध्यान दें इस वाले कंडीशन में कि दो बार मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे हैं और दो बार एक बार मॉलिक्यूल नीचे जा रहे हैं एटम्स बेसिकली तो ये आउट ऑफ प्लेन दूसरे प्लेन को पहुंच जा रहे हैं क्रॉस करने के बाद तो इसलिए ये वैगिंग है ट्विस्टिंग है एक वन बाय वन हम इसमें देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल आउट ऑफ प्लेन का बेंडिंग शो कर रहा है तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इतने प्रकार के आपके सामने दिख रही है जिसको हम इस ग्राफिकल uh, इंटरफेस से समझ सकते हैं और एनिमेशन से समझ सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेचिंग एंड बॉन्ड बेंडिंग को नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स अब हम नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स की बात करते हैं अगर मॉलिक्यूल्स नॉन लीनियर है नॉन लीनियर है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगे थ्री एन माइनस सिक्स धंधने वाली बातुला है हमारे पास एन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं हम इसको लेकिन ये इस कंडीशन में हम इसको अलग तरीके से काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ निकालने के लिए थ्री एन माइनस सिक्स और लीनियर मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन थ्री एन माइनस फाइव नॉन लीनियर और लीनियर के लिए इस तरीके से है तो इसमें सिमेट्री एनर्जीज ऑफ वाइब्रेशन जो आइडेंटिकल होते हैं इंटेंसिटी कम होती है फ्रीक्वेंसी बी ऑन रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसके एग्जाम्पल देखते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दो एच दो, सी में दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये लीनियर है तो इसको फॉर्मूला हमारा लगा थ्री एन माइनस फाइव लगेगा यानी इसका जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स हैं वो एक मोड होगा अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की है बातें कार्बन डाइऑक्साइड में तीन मॉलिक्यूल्स एटम थे तीन एटम्स में हमने वैल्यूज पुट करी कर ये लीनियर ये है सॉरी सी ओ डबल सीओ टू लीनियर है तो इसकी फोर मोड्स आएंगी फोर मोड्स में ये देखिए हम, ये हमारे पास एच का मोड है एक ही मोड है इसका मोड यह है कि मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी और यहां पे देख पा रहे हैं हम मूविंग इन आउट ऑफ प्लेन यानी इसकी दो अन्य तरीके की मोलिकुलर वाइब्रेशन हमने कहा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन अगर मोड निकालने हैं तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं नॉन लिनर मॉलिक्यूल के लिए थ्री एन माइनस सिक्स लीनर मॉलिक्यूल के लिए वैल्यू होती है थ्री एन माइनस फाइव वाई सो मेनी पीक्स इन इंफ्रारेड इसी वजह से इंफ्रारेड इंफ्राइट स्पेक्ट्रामी सारी पीक्स होती हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल की जब इतनी वाइब्रेशन होंगी तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट पीक्स हमें मिलना स्वाभाविक है तो जितना हम प्रेडिक्ट करते हैं उसकी ज्यादा उससे ज्यादा ही हमें पीक्स इसमें मिल जाती है तो ये भी पीक्स मिलती हैं क्योंकि इसकी वाइब्रेशनल मोड्स काफी ज्यादा होती हैं और हम देखेंगे आई आर एक्टिवेशन में वाइब्रेशन एट द सेम फ्रिक्वेंसी एज इन लाइट इट मस्ट है रिजल्ट ऑफ द वाइब्रेशन क्योंकि अब वाइब्रेशन से क्या हुआ इसका जो डायपोल मूवमेंट है उसमें चेंज आया और डायपोल मूवमेंट में जैसे ही चेंज आया तब तो इसकी स्ट्रेचिंग बढ़ गई और स्ट्रेचिंग के बेसिस पे इसकी फ्रीक्वेंसीज और स्पेक्ट्रा में नंबर ऑफ पीक्स बढ़ गई ये देख पा रहे हैं हम ये है, है कार्बन मोनोक्साइड की स्ट्रेचिंग हम देख रहे हैं अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगी गई सीओ की स्ट्रेचिंग हम देखें देख रहे हैं यहाँ पे लेकिन हमारे पास अगर एग्जाम्पल पिक्चर प्रेजेंटेशन ये है सीओ की स्ट्रेचिंग का इसको हम अलग से समझ लेते हैं लेकिन हमारे पास प्रिक है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने पहला पहली बार पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड में हम ये देखेंगे चार प्रकार के इसके मोड्स हैं और इन चार प्रकार के मोड्स में भी जो आई एक्टिव है वो कौन सा मोड है हम उसको समझ लेते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि जब डायपोल मूवमेंट में चेंज आएगा इफ देयर इज अ चेंज इन डायपोल मूवमेंट देन एंड ओनली देन देन इट इज कॉल्ड आई एक्टिव अगर डायपोल मूवमेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो वो आई एक्टिव नहीं होगा तो आइडेंटिकल देखे यहाँ पे हमारे पास है आ, ये चार मोड्स थे पहले मोड हमारे पास सिमेट्रिकल था सिमेट्रिकल में म्यू की वैल्यू जीरो है डायपोल मोमेंट जीरो है नेट डायपोल मोमेंट इसका एक मोड आई आर इनएक्टिव होगा क्योंकि इसके डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है दूसरा हमारे पास जो असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग थी उस केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो इंफ्रारेड एक्टिव होगा ये वाला पॉइंट और तीसरा जो वेगिंग और ट्विस्टिंग वाला जो हमारे पास बैंड स्ट्रेचिंग थी उस बैंड स्ट्रेचिंग में म्यू की वैल्यू हमें मिल रही है यानी इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वाइब्रेशन के बाद बदल रहा है चेंज आ रहा है ऐसे मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव कहे जाएंगे और यहाँ पे डिजनरेट है दोनों की वैल्यू एनर्जी सेम है इसलिए इनकी सिंगल आईआर पीक मिलेगी हमें सिंगल आईआर स्ट्रेचिंग मिलेगी और आइडेंटिकल एनर्जी होने की वजह से जिसको degenerate कहते हैं का मतलब होता है और इसी वजह से इन दो मॉलिक्यूल की हमें single IR peaks मिलेंगे। और कब होगा net dipole moment में change के बात चेंज इन नेट डायपोल मोमेंट अगर नंबर ऑफ मोड्स अगर 10 भी हो अगर 10 नंबर ऑफ मोड्स में से दो ही नंबर ऑफ मोड्स में नेट डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है तो सिर्फ दो ही इसकी एक्टिव आई आर एक्टिव कंडीशंस होंगी और एक्टिव आई आर कंडीशन में इनकी दो पीक आएंगे इसीलिए एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का था इसमें कि चार हमारे पास इसकी मोड्स मिल रहे थे क्योंकि नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है नॉन लीनियर में इसके फिर तीन आए तो लीनियर स्ट्रक्चर में थ्री एन माइनस फाइव का फॉर्मूला लगते हुए हमने इसकी चार डिफरेंट डिफरेंट जो मोड्स हैं उसको समझिए और जिसमें कि सिर्फ तीन ऐसे मोड्स हैं जो एक्टिव हैं और दो मोड्स की एनर्जी सेम होने के कारण इसकी पीक हमें सिंगल मिलेगी और इसका मतलब है इस चार मोड के सीओ टू की हमें पीक सिर्फ दो मिलेंगी ये हमने कहा जो सीओ टू की पीक हम देख रहे हैं इसकी सिर्फ हमें दो पीक्स मिलेंगी पहला पीक तो पहली कंडीशन में तो ये इनएक्टिव है आ रहा था। दूसरा हमारे पास है जो कि लगभग क्या है

नेट डायपोल मोमेंट का चेंज आ रहा था सिमेट्रिकल में कोई चेंज नहीं था तो म्यू की वैल्यू जीरो थी म्यू की वैल्यू जीरो होने से कोई भी पीक नहीं दिखाएगा इस कंडीशन में हमने देखा कि पीक दिखा रहा है और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग डायपोल मोमेंट चेंज आया जो दो हमारे पास अलग अलग थे जो ट्वेस्ट ट्विस्टिंग और बेंडिंग जो था वो उस केस में हमने देखा कि जो बेंडिंग स्ट्रेचिंग थी उन दोनों बेंडिंग स्ट्रेचिंग सेम एनर्जी स्टेट पे कर रहा था तो Mode and uh, at 546 हमारे पास स्ट्रक्चर अब आर स्ट्रक्चर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है ये हमारे पास तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर के साथ साथ ये लेक्चर हमारा खत्म होता है इस लेक्चर में हमने आर बेस्ड जो थ्योरीज हैं उसको समझा क्या इंट्रोडक्शन पार्ट है और किस प्रकार से ये किस रेंज का हम इंफ्रारेड यूज करते हैं और क्या चेंजेज आने चाहिए वाइब्रेशन मोड्स होते हैं तो उस वाइब्रेशन मोड्स में भी जरूरी है कि उसका जो नेट डायपोल मोमेंट है उसमें चेंज शुरू बनाना चाहिए तभी वो मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव माना जाएगा तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो so, ये अगर लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो जस्ट शेयर इट इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन क्लियर योर डाउट्स बाई टाइपिंग यूर क्वेश्चन ऑन कमेंट सेक्शन आई विल गिव यूर आंसर एज सुन एज पॉसिबल थैंक्स